हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में IRPWM का चैप्टर 2 से जो है लास्ट वीडियो करने वाले हैं। देखिए, 100 क्वेश्चन मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं सीरीज में, और ये लास्ट में वीडियो में 50 क्वेश्चन करने वाला हूं। तो निश्चित तौर से आप वीडियो को भले रोक लीजिएगा और इसे नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि ऐसे सीरीज में आपको किसी भी चैनल पर क्वेश्चन नहीं मिलेगी। क्योंकि पता है दोस्तों, चांद स्टडी से ही जो है क्वेश्चन का मटेरियल लेके कोई दूसरे वीडियो को अपलोड करता है। तो पहला क्वेश्चन है कि पुराने कार में फॉर्मेशन का कितना क्रॉस स्लोप जो है प्रदान किया जाता है। तो पुराने कार में देखिए 1:40 का जो है क्रॉस स्लोप दिया जाता था, लेकिन यदि नए कार पूछे तो नए 1:30 मारिएगा, और पुराने पूछे तो 1:40 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि G3L जो ग्लूट ज्वाइंट में कितने बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी हाउ मेनी बोल्ट्स यू आर यूज इन G3L ग्लूट ज्वाइंट। तो ग्लूट ज्वाइंट में देखिए, G3L वाले ग्लूट ज्वाइंट में जो बोल्ट का प्रयोग होता है 6 बोल्ट होता है। आप लोग जब भी सेक्शन में जाइएगा तो चेक कीजिएगा, उसमें 6 बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, G3S ग्लूट ज्वाइंट में कितने बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो G3S में देखिए 4 ही बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन वेव गर्डर में, जो ओपन वेव गर्डर होता है, क्रॉस गर्डर को छोड़कर पुल पर सभी स्थानों पर अधिकतम मध्यविधि स्लीपर अंतराल कितना होना चाहिए। ओपन गर्डर में क्रॉस गर्डर को छोड़ के पूछा जा रहा है, तो इसका 600 mm जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलों पर जोर स्लीपर के बीच अस्पष्ट जो है दूरी डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, 2 नंबर में आपको बहुत जो है चैप्टर आ जाता है, ब्रिज वगैरह सब 2 नंबर में ही आपको आ जाएगा। तो जोर स्लीपर के बीच अस्पष्ट दूरी देखिए 200 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा इस सब टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, जोर स्लीपर, वेव गर्डर को छोड़ के, इसमें 200 mm राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि ROV और FOV के मामले में यदि किसी खंभे पियर या अंत्यधार जो ट्रैक के केंद्र से 10 मीटर की दूरी के अंदर स्थित हो, तो कि संलग्न ट्रैक में गार्डरेल जो है बिछाई जानी चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर केंद्र से 8 मीटर की दूरी के अंदर स्थित हो तो गार्डरेल जो है बिछाई जानी चाहिए, तो इसका बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पुलों पर कैंटेड वक्र वाला रेल पथ हो, यानी कैंटेड वक्र वाला रेल पथ हो, उस पर गार्ड रेल की ऊंचाई और रनिंग रेल से 10 से अधिक नीची नहीं होनी चाहिए। तो कितना से नीची नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 mm से अधिक जो है नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच अंतराल आयाम कितना होती है। गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच जो अंतराल आयाम होती है वो कितना होती है, तो 250 प्लस माइनस 50 होता है। तो इसे आप लोग लिखते जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ERCJRT का टो विचलन जो होता है कितना होता है। तो इसका टो विचलन देखिए 8.5 mm जो है ERCJRT 8258 का होता है। तो ड्राइंग नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद करना, क्योंकि ड्राइंग नंबर देखिए दोस्तों कि यही लोग भी याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब उनको काम पड़ता है तभी जो है मैनुअल से देख लेता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है मैनुअल का है, यहाँ ERC का टाइप दिया गया, ERCJ टाइप का। यहाँ देखिए ड्राइंग नंबर 8258, टोल लोड देखिए इसका 650 दिया गया है, और यहाँ पे टो लोड या डिफेंसी 8.5 दिया गया है, और डायोमीटर देखिए 20.64 दिया गया है, और वेट इसका 1 kg बताया गया है। ठीक है, उसी तरह मैक थ्री ERC का जो है ड्राइंग नंबर 3701 होता है, और इसका टो लोड देखिए 850 से 1100 के बीच होता है। तो ये सभी आपको याद करना पड़ेगा, और यहाँ टो डिफेंसी देखिए 13.5 होगा, और डाई जो है इसका 20.64 हो जाएगा, और इसका वेट देखिए 0.91 kg हो जाएगी। उसके बाद MK VH का जो है ड्राइंग नंबर 5919 होता है, और इसका टोल लोड 1200 से 1500 हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि टोल लोड जरूर याद कीजिएगा आपको सबसे पहले। और एंटी थेफ्ट का जो ERC होता है RT 6254 का,
850 से 1100 इसका भी टो लोड होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपको टो लोड तो पूछा ही जाता है, और जो है टो लोड जो है डिफेंसिव भी पूछ दिया जाता है, जिस तरह ये क्वेश्चन में मैंने डाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ERC मार्क 5 ERT 5919 का टो विचलन कितना होता है। देखिए मैंने स्पेशल जो है चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट जो है दे दिया हूँ मैनुअल का अलग से, कि आप जो है मैनुअल यदि लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों LDC JEE के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको यदि IW वर्क्स में JEE है, ये ADN की तैयारी कर रहे हैं तो ADN के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको मैनुअल पूरा याद होना चाहिए। तो ERC मार्क 5 का जो है पूछा गया है, तो ERC मार्क 5 का जो है 13.5 होता है टो विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ERC मार्क 3 RT 3700 का लगभग भार जो है कितना होता है। तो इसका भार देखिए 0.91 kg इसका वेट होता है। उसी तरह ERC मार्क 3 इसका ड्राइंग नंबर 3701 है, उसका टो लोड जो होता है कितना होता है। तो टो लोड 850 से 1100 टो लोड होता है। देखिए सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, जो भी अपने मैं वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। आप जब एग्जाम दे के आइएगा तो ज़रूर जो है अब कहिएगा कि मैंने वहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ा था। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, ERC मार्क 5 RT 5919 का टो लोड जो होता है कितना होता है। तो देखिए 1200 से 1500 kg इसका टो लोड होता है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग ERC एंटी थेफ्ट RT 6554 का लगभग भार जो होता है कितना होता है। देखिए उसका भार 0.937 kg इसका भार होता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 52 kg रेल पर यदि 52 kg स्लीपर के लिए प्रयोग की जाने वाली रबर पैड जो होती है कौन सी होती है। तो इसके लिए कौन सी रबर पैड का प्रयोग किया जाता है। देखिए 3703 ड्राइंग नंबर है ए रबर पैड का जो है। देखिए यह मैनुअल का जो है मैं कुछ पैराग्राफ आप लोग को दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ड्राइंग नंबर दिया गया RT 3703, इसमें 6 mm GRC और 52 kg रेल एंड 52 kg स्लीपर के लिए 6 mm देखिए GRC पे यानी रबर पैड का प्रयोग किया जाता है। यदि 3711 हो और 52 या 60 kg रेल के लिए या 60 kg स्लीपर हो उसमें भी 6 mm का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो है पॉइंट जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि जो है बेहतरीन तरीके से आप लोग को याद हो सके। 66 नंबर क्वेश्चन है कि 52 kg रेल एवं 52 kg स्लीपर के लिए प्रयोग की जाने वाली रबर पैड जो है कौन सी है। ड्राइंग नंबर जो है आप लोग को बताना है, तो 3703 जो है ड्राइंग नंबर है 6 mm GRSP के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनल स्लीपर पर 60 kg रनिंग रेल के लिए प्रयोग की जाने वाली रबर पैड की मोटाई जो है 10 mm है, तो कौन से ड्राइंग नंबर का रबर पैड प्रयोग किया जाता है। तो देखिए RT 5156 जो है ड्राइंग नंबर का जो है रबर पैड प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनल स्लीपर पर 52 kg रनिंग रेल के लिए प्रयोग की जाने वाली रबर पैड की मोटाई यदि 10 mm है, कौन से ड्राइंग नंबर का प्रयोग किया जाएगा। 5199 ड्राइंग नंबर का देखिए प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RT 4165 60 kg स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट का अधिकतम डिजाइन गैप जो होता है कितना होता है। तो अधिकतम डिजाइन गैप देखिए 80 mm की होती है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि RT 6930 52 kg स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट का अधिकतम डिजाइन गैप जो होता है डबल गैप में कितना होता है। तो डबल गैप में देखिए 65 mm होती है, जो डबल गैप स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है उसमें 65 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 kg रेल सेक्शन और 60 kg स्लीपर के लिए प्रयोग की जाने वाली GFN लाइनर जो RT 3706 का रंग जो होता है वो कैसा होता है। इसका रंग देखिए सफ़ेद होता है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 52 kg रेल सेक्शन और 60 kg स्लीपर के लिए प्रयोग की जाने वाली मेटल लाइनर 3741 GS का रंग जो होता है कैसा होता है। देखिए मेटल लाइनर इसका जो रंग होगा आपका पीला होगा, तो रंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 kg रेल सेक्शन और 60 kg स्लीपर के लिए प्रयोग की जाने वाली मेटल लाइनर RT 3742 NGS का रंग जो होता है वो कैसा होता है। इसका रंग देखिए ग्रीन होता है, तो हरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीआरएसपी आरटी 8528 की मोटाई जो होती है कितनी होती है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ जीआरएसपी आरटी 8528 की थिकनेस जो पूछा गया है, तो इसका थिकनेस देखिए 10 mm की होती है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईआरसी मार्क थ्री का जो व्यास होता है कितना होता है, तो इसका देखिए व्यास ईआरसी मार्क थ्री का व्यास हो जाएगा 20.64 mm, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 किग्रा पर मीटर रेल के लिए फिश प्लेट प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कौन सी फिश प्लेट का जो है प्रयोग में लाया जाता है, T1898 फिश प्लेट देखिए प्रयोग में लाया जाता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 किग्रा पर मीटर रेल के लिए फिश प्लेट कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, इसका देखिए T019 फिश प्लेट का प्रयोग लाया जाता है, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 किग्रा रेल के लिए 22.9 टन धुरा भार के लिए डिजाइन जो है कंक्रीट स्लीपर में कौन सा जो है किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा T2495 जो है डिजाइन किया गया है, तो ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 किग्रा स्लीपर और 52 किग्रा रेल के लिए 22.9 टन धुरा भार के लिए डिजाइन जो है प्रतिबलित कंक्रीट स्लीपर का कौन सा है, इसका देखिए 2496, इसका T2496 है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, 60 या 52 किग्रा रनिंग रेल एवं 52 किग्रा चेक रेल के लिए संपार पर पीएससी स्लीपर का ड्राइंग नंबर जो है कितना होता है, तो इसका देखिए ड्राइंग नंबर हो जाएगा 80 नंबर का आरटी जो है 4148 और 4148 ए हो जाएगा, 4148 4148 ए, ये दोनों ड्राइंग नंबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1:12 फैन शाफ्ट लेआउट के लिए स्लीपर का सेट जो होता है और कौन सा ड्राइंग नंबर स्लीपर का सेट होता है, देखिए 4218 का सेट होता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1:8.5 जो फैन शाफ्ट लेआउट का स्लीपर का सेट होता है उसमें कौन सा जो है प्रयोग किया जाता है, देखिए 4865 का प्रयोग किया जाता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुल पर रेल जो 10 मीटर से कम ओपनिंग वाले में नहीं होना चाहिए, कितने मीटर से कम ओपनिंग वाले में नहीं होना चाहिए, 83 नंबर 6.1 मीटर ओपनिंग वाले में नहीं होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुरक्षण उद्देश्यों के लिए आवश्यक गिट्टी की मात्रा का आकलन यदि आवश्यक हो तो 10 किलोमीटर एकल रेल लंबाई के सर्वेक्षण द्वारा जो है किया जाएगा, तो कितने किलोमीटर का सर्वेक्षण किया जाता है, देखिए 1 किलोमीटर का सर्वेक्षण किया जाता है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में LWR CWR के अलावा जहां गिट्टी कुशन 250 mm हो और 600 मीटर से अधिक त्रिज्या वाले वक्र और सीधे ट्रैक पर गिट्टी की मात्रा जो है प्रति जो है मीटर कितना होगी, गिट्टी की मात्रा 85 नंबर प्रति मीटर जो है गिट्टी की मात्रा पूछा गया है, तो प्रति मीटर गिट्टी की मात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का 1.769 मीटर क्यों हो जाएगा, 1.679 ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में LWR CWR के अलावा जहां गिट्टी कुंसन 300 mm हो और 600 मीटर से अधिक त्रिज्या वाले वक्र और सीधे ट्रैक पर गिट्टी की मात्रा प्रति मीटर कितनी होगी, तो यहां देखिए गिट्टी की मात्रा प्रति मीटर 2.022 मीटर क्यू होगी, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में LWR CWR के अलावा जहां गिट्टी कुशन देखिए 350 mm हो, ध्यान रखिएगा गिट्टी कुशन के जो है बात हो रही है, सब क्वेश्चन सेम है बट गिट्टी कुशन चेंज है, और 600 मीटर से अधिक त्रिज्या वाले वक्र सीधे ट्रैक पर गिट्टी की मात्रा प्रति मीटर कितनी होगी, तो यहाँ देखिए प्रति मीटर जो है 2.82 जो है प्रति मीटर हो जाएगी, यानी बी नंबर राइट आंसर 2.282 मीटर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए वही क्वेश्चन है और इसमें जो है गिट्टी कुशन 350 और 600 मीटर लेकिन कम त्रिज्या वाले वक्र पर यहाँ पूछा जा रहा है प्रति मीटर कितनी होगी, ब्रॉड गेज में जो है 600 मीटर से कम त्रिज्या वाले वक्र में गिट्टी की मात्रा और यहाँ पर देखिए अधिक पूछा गया था, तो यहाँ कम वाले में क्या आंसर हो जाएगा 88 का, तो यहाँ 2.344
मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ब्रॉड गेज में LW और CW आकार के अलावा जहाँ गिट्टी कुशन 300 mm हो और 600 mm से कम त्रिज्या वाले वक्र पर गिट्टी की मात्रा प्रति मीटर कितना होगी। 600 मीटर से कम त्रिज्या वाले पूछा गया है, तो 600 मीटर से कम त्रिज्या वाले 2.078 मीटर क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में LW और CW के अलावा जहां गिट्टी कुशन 250 mm हो और 600 मीटर से कम त्रिज्या वाले वक्र पर गिट्टी की मात्रा प्रति मीटर कितना होगी। देखिए इसका 1.820 मीटर क्यू राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LW और ब्रॉड गेज में जहां गिट्टी कुशन 250 mm हो वहां गिट्टी की मात्रा प्रति मीटर सीधा ट्रैक में जो है कितना होगा। तो सीधा ट्रैक में देखिए 2.030 मीटर क्यू होता है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR ब्रॉड गेज में जहां गिट्टी की कुशन 250 mm हो वहां गिट्टी की मात्रा प्रति मीटर वक्र ट्रैक में कितना होगी। तो ब्रेक जो वक्र ट्रैक है वहां 2.120 मीटर क्यू जो है राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है LWR ब्रॉड गेज में जहां गिट्टी की कुशन 300 mm हो वहां गिट्टी की मात्रा प्रति मीटर वक्र ट्रैक में कितना होगी। इकहरी लाइन PRC सिली पर ध्यान दीजिएगा, जो ब्रैकेट में दिया गया है इस पॉइंट को जरूर आप लोग जो है देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.401 मीटर क्यू। देखिए इससे लगभग दो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जाते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है कि LW और ब्रॉड गेज में इकहरी लाइन PSC सिली पर ध्यान दीजिएगा। इकहरी लाइन PSC सिली पर में जहाँ गिट्टी कुशन 300 mm हो वहाँ गिट्टी की मात्रा प्रति मीटर सीधा ट्रैक में जो है कितना होगी। तो प्रति ट्रैक में 2.304 होगी मीटर क्यू, एन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर की, सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली रबर पैड जो GRSP की मोटाई जो होती है कितनी होती है। सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली इसका 6.2 mm की मोटाई होती है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। 96 नंबर क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म और FTC, देखिए FTC जो है ट्रैक आपको स्लीपर पर जो है ब्लैक कलर में लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म जो होता है फिट फॉर ट्रैक सर्किट होता है, इसमें वो नहीं दिया गया है, तो फिट फॉर ट्रैक सर्किट इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिएगा कभी कभी फिट फॉर स्विच एरिया भी लगा देता है, जो ऐसे नहीं होना चाहिए, फिट फॉर ट्रैक सर्किट ही होना चाहिए। 97 जो है क्वेश्चन है कि रेल के सिरे की सीधाई क्षैतिज 2 मीटर मानक स्ट्रेट एज के कार्ड से मापने पर अधिकतम ऑर्डिनेट विचलन कितना होगा, यानी श्रेणी ए रेल में पूछा जा रहा है। इसका देखिए विचलन होगा 0.5 mm विचलन होता है, तो एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रेल के सिरे की सीधाई जो है क्षैतिज 1.5 मीटर मानक स्ट्रेट एज के कार्ड से मापने पर अधिकतम ऑर्डिनेट विचलन कितना होगा, यानी श्रेणी बी रेल में पूछा जा रहा है। इसका अधिकतम जो विचलन होगा 0.7 mm होगा। श्रेणी ए में कितना था 0.5 और श्रेणी बी में कितना है 0.7 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर की, रेल के आयामों में अनुमेय परिवर्तन प्राइम गुणवत्ता वाली रेल जिसकी शीर्ष की चौड़ाई जो रेल शीर्ष के नीचे 14 mm पर मापा जाता है वो जो है कितना होता है। इसका देखिए हो जाएगा प्लस 0.8 से 0.4 mm तक होती है, तो इसका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि एंटी वेल्डिंग पोर्शन की निर्दिष्ट आयु कितनी निर्धारित की गई है, सॉरी एटी वेल्डिंग पोर्शन हो जाएगा। तो एटी वेल्डिंग का देखिए दोस्तों कोई भी एज निर्धारित नहीं किया जाता है, तो इसमें जो एट एज जो है नॉट स्पेसिफाइड जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो एक लाइक आप वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाए और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी